हेलो फ्रेंड्स, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक और कॉर्न के सैंडविच। तो हम शुरू करते हैं बनाना, पालक कॉर्न सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून इसमें मक्खन डालूंगी। ये घर का मक्खन है, आप मार्केट वाला भी ले सकते हो। और थोड़ा सा बिल्कुल इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी। इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। मक्खन गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। गैस को हम थोड़ा मीडियम में रखेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, थोड़ा सा भून लेंगे। अब ये मैंने पालक ली है, ये 150 ग्राम के करीब पालक है। इसको मैंने धो के ब्रीक ब्रीक कटिंग कर लिया। अब मैं इसमें इसको डाल दूंगी। अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और थोड़ा पालक का पानी सूखने तक हम इसको पकाएंगे। पालक हमारी थोड़ी सी पक चुकी है, अब हम इसमें कॉर्न डालेंगे। ये मैंने फ्रोजन लिए हैं। अगर आप सिंपल लेते हो तो पहले उसको बॉईल करके फिर आप उसको यूज करें। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। दो मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पनीर, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। बिल्कुल छोटा सा पीस लिया था, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे नमक, टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। सोया सॉस 1 टीस्पून, टोमेटो सॉस 1 टीस्पून। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये बहुत हेल्दी सैंडविच बनता है ये, क्योंकि पालक में आयरन होता है, तो जो कि बहुत ही अच्छा होता है। आप इसको ज़रूर बनाएं, बच्चों को आप टिफ़न में भी दे सकते हो। आप बस सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको और पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें मोज़रेला चीज़ डालेंगे। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया। ठंडा होने पे हम इसमें मिक्स करेंगे। हमारा पालक कॉर्न ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें मोज़रेला चीज़ डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ब्रेड लेंगे। मैंने ये ब्राउन ब्रेड ली है, आप वाइट भी ले सकते हो। इस पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। मैंने अच्छे से ब्रेड पे लगा लिया, अब हम इसको कवर कर देंगे। अब हम इसको सैंडविच मेकर में बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसको नीचे मक्खन लगा दूंगी अच्छे से। इसके ऊपर चीज को रख देंगे। ऊपर से फिर हम ब्रशिंग कर देंगे मक्खन की। हाँ।
अब हम इसको बंद कर देंगे और इसको अच्छा सा ब्राउन होने तक बनाएंगे। अब हम चेक कर लेते हैं, देखिए कितना अच्छा ब्राउन हो गया। प्लीज अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए हमारे सैंडविच कितने अच्छे बन के रेडी हुए हैं। हमारे पालक कॉर्न की सैंडविच रेडी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।